नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से रामकिशोर वर्मा की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। करहल में मनाएगा क्षमावाणी पर्व, गले मिले, गलतियों के लिए मांगी गई क्षमा। जनपद मैनपुरी में क्षमावाणी पर्व को लेकर जैन समाज में प्रेम सौहार्द एवं सद्भाव की मिसाल देखने को मिली। जनपद के मैनपुरी के करहल, किशनी, भोगाव, कुरावली, बेवर, कुसमरा आदि स्थानों पर जैन धर्म के अनुयायियों ने क्षमावाणी पर्व पर एक दूसरे को गले मिल वर्ष भर में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगी। बुजुर्गों, अंग्रेजों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। खासकर कस्बा करहल के पाशुनाथ चैत्यालय, नसिया जी मंदिर, परियानी, हलवाई यान आदि जैन मंदिरों में सुबह से ही भगवान का अभिषेक करते नजर आए। मंत्रोच्चारण के साथ शांति धाराएं डाली गई। जैन भवन पर हुए आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में जैन समाज के स्त्री पुरुष बच्चों ने सामूहिक रूप से जैन धर्म के जियो और जीने दो के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। सभी लोगों ने एक दूसरे के गले मिल वर्ष भर में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगी। जनप्रतिनिधियों के रूप में पहुंचे करहल नगर पंचायत अध्यक्ष चेयरमैन राजीव यादव ने भी बुजुर्गों, अंग्रेजों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। श्री नेमिनाथ जी मंदिर जीर्णोद्धार समिति के पदाधिकारियों ने समाज के सभी लोगों की सामूहिक रूप से भोज कराया, जिसकी सभी लोगों ने मुक्त कंठ से सराहना की। बहरहाल क्षमावाणी पर्व को लेकर पूरे दिन हर्षोल्लास बना रहा। अधिकांश जैन बंधुओं ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर क्षमावाणी पर्व की तैयारियों में जुटे नजर आए। आइए आपको इस विषय पर अधिक जानकारी यहां मौजूद लोगों के द्वारा सुनाते हैं। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। ये जो क्षमावाणी का पर्व है, ये जैन धर्म के लिए मूल आधार का पर्व है। आज के दिन हम सभी जैन समाज के लोग और जैन धर्म से जुड़े हुए लोग संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए और मानव मात्र के कल्याण के लिए यह भावना भाते हैं कि संसार के सभी जीव आपस में प्रेम भाव और सद्भावना से रहें, ताकि किसी के बीच में कोई भी विरोधाभास न रहे। सभी प्रेम से देश कल्याण और राष्ट्र निर्माण की भावना से काम करें और अपने समाज और धर्म का कल्याण। जैन धर्म की पर्व लेके आओ, क्षमावाणी पर्व में हम लोग अपने सभी बड़ों को, छोटों को, बराबर वालों को सबको क्षमा याचना करेंगे सबसे, और ये संदेश देते हैं कि मतलब सब लोग अपने एक तरफ एक एक साथ एकजुट होकर रहें और जैन धर्म का प्रचार करें। जैन धर्म क्षमावाणी के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि इसका हमारे जैन धर्म में काफ़ी महत्व है। इससे एक दूसरे के दिल साफ हो जाते हैं, एक दूसरे के दिल साफ हो जाते हैं, और उससे मन में है ना कोई वो नहीं रहती है, एक दूसरे के देश है जो वो निकल जाता है हम लोगों के प्रति। और हमें क्या क्षमा क्या, हमें क्या सभी से नहीं, हमें एक दूसरे से जमा मांगना चाहिए। अच्छा, इस पर्व के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये हमारा जो परिसर पर्व है, इस पर्व में हम अगर पूजन पाठ में हमेशा तो विश्व शांति की कामना करते हैं, हमेशा शांति चारा करते हैं, हमेशा यही कामना की जाती है विश्व में समस्त प्राणी सुखी रहें, संपन्न रहें, देश के अंदर सर्वत्र सम्मता रहे, ये भावना रहती है।